पास जाएंगे, आज हम उस यहोवा के पास जाएंगे, आज हम उस मनुष्य के पास जाएंगे, आज हम उस शाफी के पास जाएंगे। और हमारा ईमान है कि हम भी इस जब जाएंगे तो इस बीमारी को साथ लेके जाएंगे, और जब हम इस जगह से वापस लौटेंगे तो हमारे भक्तों के अंदर बीमारी ना होगी। तो वो उस जगह पर गए, उस यीशु के पास गए, उस शाफी के पास गए, उस मनुष्य के पास गए, तो उसके सामने जाकर उसके पांव के सामने गिरे होंगे, उसके पांव के सामने गिरे होंगे, और उसने कहा होगा, ऐ शाफी, ऐ मनुष्य, ऐ यहोवा, ऐ शाफी, तू हम पर रहम कर, तू हम पर रहम कर, तू हमें बचा दे, हम इस बीमारी से मुक्त कर दे, इस बीमारी को हमारे पगड़ों से खारिज कर दे, ये बीमारी हमें जीने नहीं दे रही, ये बीमारी हमें बहुत तकलीफ देती है, ये बीमारी हमें बहुत सी परेशानियों के हल में रहती है, और ये बीमारी हमारे रिश्तेदारों से भी हमें जुदा किया है। तो ऐ यहोवा, ऐ मनुष्य, ऐ शाफी, तू आज रात इस बीमारी को हमारे पगड़ों से खारिज कर दे, आज रात ये बीमारी हमारे पगड़ों से चलती रहे। हालेलुया। और जब उस यीशु के सामने झुके तो क्या हुआ, उनके बदनों में वो बीमारी रही, बीमारी रही। उसने कहा कि जा अपने कहीं को दिखा। हालेलुया, हालेलुया। और तो क्या हुआ, जाते जाते ही उन तमाम जितने भी 10 के 10 लोग थे, उन्होंने क्या पाई, शिफा पाई, शिफा पाई। और एक शख्स जो सामरी था, जो सामरी था, वो मेरे और आपके यीशु के पास आया, रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, उसके कदमों में गिरा, उसको कहा कि ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ यीशु, मैंने शिफा को पा लिया है, मैं उस बीमारी से मुक्त हो गया हूँ, उस बीमारी से मैंने शिफा को पा लिया है, ऐ यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, ऐ यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरे और आपके यीशु ने क्या बोला, क्या जो बाकी 9 थे उन्होंने शिफा को नहीं पाया, उन्होंने शिफा को नहीं पाया, मेरे यीशु ने कहा क्या वो खुदा की, खुदा के सामने वापस क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए।